हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है और मेरे चैनल में भी आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत खुश हूँ। तो भी मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। आज का जो ब्लॉग होगा वो बहुत मेरे लिए स्पेशल होने वाला है। मतलब हर ब्लॉग मेरे लिए स्पेशल ही होता है, क्योंकि मैं हर अपनी खुशी वाली चीज़ आपके साथ शेयर तो करती हूँ। तो आज है दुर्गा माता जी का 7वां दिन है, तो इस दिन की बहुत ज़्यादा मान्यताएँ होती है। इस दिन ओटी भरना या फिर गोद भराई जैसे होता है माता जी का। फिर बहुत सारे कार्यक्रम आज के दिन होते हैं, फिर वो सब होते ही तो है। लेकिन आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं जाने वाली स्पेशली माता जी के दरबार में। मेरी कुल स्वामिनी है, मतलब अभी मेरी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन ससुराल का जो कुल है और उस कुल की जो कुल स्वामिनी मतलब कुल देवी है, उनके दर्शन को जाना है। मेरी आवाज़ आपको भारी लग रही होगी, थोड़ा सा मुझे ना सर्दी जैसा लग रहा है, क्योंकि मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडी है। रात में भी बहुत ज़्यादा टाइम तक हम जागे रहते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं नहा हुआ चुकी हूँ और आज का जो कलर कोड है वो है ऑरेंज। तो मैं कोशिश करूँगी, मेरे पास ज़्यादा ऑरेंज कलर के कपड़े नहीं, लेकिन जो ऑरेंज से मैच खाते हो तो मैं पहनूंगी। तो अभी पहले रेडी होते फिर नीचे जाएंगे चाय पानी पीने, फिर माता जी का दर्शन भी मैं आपको करवाती हूँ। मेरे घर में हमेशा सवेरे सवेरे राधा कृष्णा चलता है और हमेशा मेरे पापा ही देखते, उनका पसंदीदा सीरियल है। फिर ना मुझे जल्दी से अभी चाय बनाना है और चाय पीना है, क्योंकि पेपर को जाना है मुझे। तो बिना चाय के तो मैं दिन की शुरुआत कर ही नहीं पाऊंगी यार। मैं ना बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि आज मेरा पेपर है 8:30 बजे पेपर, और अभी 8:10 बज चुके। तो मैं सबसे पहले जल्दी से पेपर ऊपर दे के आती हूँ। मैंने रूम पैक कर लिया, पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पेपर को जाती हूँ पहले, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। चलो चलते, बाय। अरे भगवान, देखो मैं अभी कॉलेज में आई और हम लोगों की रैली निकल रही है, तो मुझे भी रैली में ज्वाइन होना है। तो मैं जल्दी से मेरी स्कूटी लगाती हूँ, फिर मैं भी ज्वाइन करती हूँ। रैली में तो आ गई, लेकिन व्रत इसलिए मैंने चप्पल नहीं पहना है, और अभी देखो क्या क्या होता है फिर। तो दोस्तों, आप लोग जान रहे हैं कि महात्मा गांधी जी की जयंती तथा लाल बहादुर शास्त्री इनकी जयंती के इस अवसर पे हमारे कॉलेज की तरफ से एक रैली निकली है। तो जिस रैली में हम लोग शामिल है, आए थे पेपर के लिए, लेकिन पेपर में अभी थोड़ा टाइम बचा था, तो जो एक राउंड है तो उसकी रैली हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ घोषणाएं भी है, कुछ उनके हाथों में भी है। अगर मैं पीछे हूँ, क्योंकि मुझे लेट हो गया था, अगर मैं आगे जाऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाती हूँ। तो पीछे सब हमारी कॉलेज की मैम लोग हैं, जो हमारी बहुत प्यारी है। ये हमारा कॉलेज है। हमारी कॉलेज की मुख्याध्यापिका जी है, तो हम लोगों को महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो अभी चुपचाप से सुनते हैं। सब लड़कियों को रोपण के लिए कुछ पौधे दिए जा रहे हैं। तो ये सब वो लड़कियां हैं जो हमारे कॉलेज से ग्रेजुएट कंप्लीट हो चुकी है, और आज उनको यहाँ पे बुलाया गया है। तो सबको ये पौधे दिए जाएंगे, मतलब ये पौधे अपने घर पे जहाँ भी लगाना पसंद करेंगे वहाँ पे सब लगाएंगे। तो बहुत अच्छा लगता है, जिस दिन मैं भी ग्रेजुएट हो जाऊँगी, भगवान करे हम लोगों को भी बुलाना चाहिए। मेरी प्यारी दोस्तों, मेरा इंतज़ार करी, तो चलो मैं भी घर पे आ चुकी हूँ कॉलेज से, तो बहुत अच्छा था। तो हमारे जो संस्था का नाम है, कॉलेज का नाम है महात्मा गांधी विद्या मंदिर है। तो आज महात्मा गांधी जी की जयंती थी, वो तो वो हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। और जो ग्रेजुएट हो चुके हैं हमारे कॉलेज से, उनको हमने जो रोप था वो हमने, मतलब हमने नहीं, मैडम जी ने, मतलब कॉलेज की तरफ से मिला है। तो अभी मैं फिर बनाती हूँ कुछ खाने को, मतलब फराड़ साबूदाना बनाती हूँ, क्योंकि हम लोगों को जाना है मंदिर। मेरे हस्बैंड निकल चुके हैं मुझे लेने के लिए, तो मैंने मुंह तो धो लिया अच्छे से, फिर बाद में मेकअप करूँगी। तभी मैं पहले जाती हूँ कुछ बनाती हूँ।
आप लोग जान रहे हैं मेरे मिस्टर आ चुके हैं और मैं उनको देख रही हूँ चुपके चुपके। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरे मिस्टर आ चुके हैं मुझे लेने। मैंने ना ऑरेंज कलर की साड़ी निकाल के रखी थी कसम से, आज ऑरेंज मतलब ऑरेंज कोड है तो, लेकिन इनको पसंद नहीं आई और इनके ही घर से मुझे वो साड़ी आई है, तो मैंने दूसरा चेंज कर लिया है, ग्रीन वेयर कर लिया। तभी हम लोग चलते हैं, आपको दिखाते हैं, चलो। के बाद पता चल रहा है कि कितना भीड़ है यार, देख रहे हैं आप लोगों को दिख ही रहा होगा कितनी ज्यादा पब्लिक है। हम लोग को कुछ उपवास का खाना है और मेरे ससुर जी को और उनको कुछ खाना खाना है, तभी हम लोग अच्छे से जगह ढूंढ रहे हैं। यही खेतों में हम लोग रुके थे खाना खाने के लिए। अभी सब मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी गाड़ी लेने गए, मम्मी जी भी आ रही, तभी हम लोग दर्शन उर्शन करके, बहुत ज्यादा भीड़ थी इसलिए ज्यादा शूटिंग नहीं कर पाई, फिर भी जितना दिखा पाई उतना मैंने आपको दिखाया। फिर अभी हम लोग जा रहे घर पे। ये मेरी प्यारी सासू माँ जी है। बाबू, तो दोस्तों फाइनली एट होम, लेकिन इनका बैग इनको देना पड़ेगा क्योंकि ये फिर से मुझे घर पे छोड़ने के बाद घर पे जा रहे हैं। अभी घर पे आ चुकी हूँ, अभी सबसे पहले मैं फ्रेश होती हूँ। वो तो मुझे छोड़ के मतलब मुझे घर पे उन्होंने छोड़ा, फिर से वो रिटर्न घर पे गए, उनको बहुत चार्ज डबल डबल फेरी हो गया। लेकिन पत्नी पत्नी के लिए सब कुछ करना पड़ता है, ऐसी बातें। तो मैं सबसे पहले फ्रेश होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मुक्ता फळांची जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ति और श्री राज मूर्ति, दर्शन मात्रे मन चरने मात्रे मन कामना पूर्ति, जय देव जय देव। अब आरती वगैरह हो चुकी है, बहुत ज्यादा हम लोग थक चुके हैं क्योंकि मैं सवेरे से बहुत ज्यादा बिजी थी क्योंकि पेपर को गई, फिर बहुत सवेरे से मैं उठी थी, अभी मुझे नींद भी लग रही है। लेकिन अभी माता जी के यहाँ पे बैठेंगे थोड़ा टाइम, सब लोग बातें उतें करेंगे। अभी बस दो ही दिन बचे हैं माता जी के, तो चलो तब तक आपको मैं बाय बाय बोलती हूँ। अच्छा लगा होगा मेरा ब्लॉग आपको, तब तक मेरे चैनल का आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आजा आजा आजा, आपसे कोई मिलने वाला है। क्या बोलशील, क्या बोलशील, देखो क्या बोलेगा। हेलो, कल ना ऐसे कर रहा था, कसा काय म्हणतात, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।